हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों BTUP इवन सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है आज के न्यूज़पेपर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के ही डेट में आप लोगों को अपडेट मिल गया था कि 28 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आज के न्यूज़पेपर में भी आप लोग की अपडेट आ चुकी है। फाइनली आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है 28 जून से स्टार्ट होने वाला है, और आप सभी छात्रों की जो मांग है भाई बकरीद के दिन के बाद की जो है एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक है, तो इसके बारे में भी अपडेट इसमें दिया गया है। क्या हो सकता है, क्या है, इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ आप सभी लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज के डेट में जो न्यूज़पेपर आई है उसमें क्या अपडेट दिया गया, उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं कि क्या हो सकता है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेन हेडिंग की बात करें तो मेन हेडिंग दी गई है पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा 28 जून से होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं इसकी पूरी विस्तार से तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद की सम सेमेस्टर की परीक्षा 28 जून से शुरू होगी। गुरुवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक में पहले 12 जून से प्रस्तावित सम सेमेस्टर की परीक्षा को परीक्षा स्थगित किया गया है, इसके बाद 28 जून से कराने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और आप लोग को अपडेट कल के ही डेट में मिल गया था, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या दी गई है। बोर्ड सचिव राकेश वर्मा ने बताया कि सम सेमेस्टर के प्रैक्टिकल जो है वो 15 अप्रैल से कराए जाएंगे। इस संबंध में कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश भेजे जा रहे हैं, यदि कुछ प्रैक्टिकल रह जाते हैं तो लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल पूरे कराए जाएंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों की हमने कल के ट्वीट के माध्यम से ही बता दिया था, कल जावेद मुस्तफा सर ने ट्वीट करके आप लोगों को अपडेट दिया था कि 15 तारीख से आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। 15 के बाद में आप लोगों को उन्होंने बताया था कि 28 से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल छूट जाता है, रह जाता है, तो आपका वो जो प्रैक्टिकल है वो एग्ज़ाम के बाद में कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सचिव ने बताया कि जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा जिसकी सूचना जल्द ही दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग की जो एग्ज़ाम स्कीम है बहुत ही जल्द जारी होगी, ठीक है। मेरा आशा है कि 12 तारीख को या फिर 15 के पहले आप लोग की एग्ज़ाम स्कीम जारी हो जाएगी। हमने कल रात में भी वीडियो आप लोगों को बना करके बताया, ठीक है। उसके बाद में क्या दी गई, परीक्षा तिथि की घोषणा पर हॉस्टल में रहने वाले मुस्लिम छात्रों ने बकरीद के बाद परीक्षा कराने की अपील की, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग की जो मांग है भाई कि बकरीद के बाद में एग्ज़ाम हो, बिकॉज 29 तारीख को आप लोग की बकरीद है, 28 से एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग घर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या दी गई है, छात्रों ने कहा कि हम लोग घर से दूर रहते हैं, 29 जून को बकरीद का पर्व है, यदि 28 जून से परीक्षा शुरू होगी तो त्यौहार में हम अपने घर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है आप लोग की एग्ज़ाम स्कीम तो आई नहीं है, और आप सभी लोगों ने ये चीज़ें बहुत अच्छा की जो कि आवाज़ आप लोगों ने ऊपर तक पहुँचा दिया है, ठीक है। तो अब मेरा चांस है कि आप लोग की जो एग्ज़ाम डेट है वो 99% आप लोग की भाई बकरीद के बाद में ही होगा, ठीक है। जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग की जैसे ही अभी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोग की एग्ज़ाम स्कीम को लेकर के, आप लोग की एग्ज़ाम स्कीम आएगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस है कि अब आप लोग की एग्ज़ाम जो है वो बकरीद के बाद में ही कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए UFM छात्रों का जारी होगा परिणाम। प्राविधिक शिक्षा सचिव राकेश वर्मा ने बताया कि बैठक में पूर्व में हुई विषम सेमेस्टर दिसंबर 2022 की परीक्षा में अनुचित साधन में आरोपित 82 छात्रों की सुनवाई समिति ने की है। 82 में 64 छात्र ही सुनवाई के लिए उपस्थिति हुए, ठीक है। उसके बाद में जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर परीक्षाफल घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो भाई अब जितने भी स्टूडेंट्स का UFM लगा था, UFM की वजह से अभी तक रिजल्ट वगैरह नहीं आई थी, तो उनकी भी रिजल्ट आने वाली है, ठीक है। ये अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आ रही है आप लोग के एग्जाम को लेकर के, आप लोग के UFM रिजल्ट को लेकर के, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोग की एग्जाम स्कीम भी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। और आप सभी छात्र कल कह रहे थे कि बकरीद के बाद एग्जाम कराया जाए, ठीक है, तो वो भी यहां पर आप लोगों की जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। तो आशा है कि बोर्ड जो है इसको जरूर सुनेगा, जरूर समझेगा, और आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो मेरा आशा है कि जुलाई में ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।